हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। होप यू गाइस आर फाइन। और आज के संडे के फंडा वीडियो में हम बात करने वाले हैं फील्ड टेस्ट ऑन सीमेंट। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हमें एक नॉर्मल फील्ड टेस्ट करे सीमेंट का। हाउएवर दिस इज नॉट वेरी मच एक्यूरेट, बट हाँ, इन टेस्ट से हमें आइडिया मिल जाता है कि जो सीमेंट हम यूज करने वाले हैं उसकी क्वालिटी क्या है। तो अभी तो यहाँ पे सीमेंट्स, क्योंकि इवनिंग टाइम हो गया तो पैक्ड होके रखे हैं, बट जो सैंपल्स हमारे पास अवेलेबल है उसे हम टेस्ट करते हैं। सो गाइज, ये एक सीमेंट हमारे पास है। सबसे पहले आपको चेक करना है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो भी सीमेंट आप यूज कर रहे हो वो 90 डेज यानी कि 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसका कलर टेस्ट कीजिए। तो अगर मैं इस सीमेंट को निकालूं एंड इफ आई चेक द कलर, सो एक बारी फोकस करके अगर मैं इसका कलर चेक करूं तो विजिबल है प्रॉपर, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये लाइटिश कलर का, ग्रे कलर का होना चाहिए, हायर ऑन द ग्रीन साइड में होना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्मली इस कलर का होना चाहिए आपका सीमेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जब मैं सीमेंट को टच करूं, टेम्परेचर टेस्ट, तो जैसे ही मैंने सीमेंट बैग में हाथ डाला तो मुझे कूलिंग सेंसेशन होना चाहिए, जो कि मुझे हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पर गर्म फील होने लगा, वार्म लगने लगा, इसका मतलब है कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिंक टेस्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले एक बार इसका लम्प टेस्ट करते हैं। अगर मैंने सीमेंट निकाला, अब पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये लम्प्स भी बने हुए हैं। आप अगर सीमेंट को देखोगे तो यहाँ पे ये लम्प्स बने हुए हैं और ये लम्प्स बहुत हार्ड है, ये टूट भी नहीं रहे। इसका मतलब है कि इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन हो चुका है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं कि जब मैं यहाँ पर कुछ और सीमेंट लेकर इसको रब कर रही हूँ बिटवीन फिंगर्स, तो मुझे क्या होना चाहिए, ये स्मूदन इफेक्ट देना चाहिए। और अगर ये स्मूदन इफेक्ट नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बारीक लम्स भी है, तो ये मुझे स्मूदन इफेक्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें अडल्ट्रेंट्स प्रेजेंट है। अब हो सकता है कि इसमें कहीं से सैंड मिल गई हो या क्ले मिल गई हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे प्रॉपर स्मूदनिंग इस सीमेंट में नहीं दिख रही है। ठीक है, ये ओपन है, अब हो सकता है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन हो चुका होगा, एडल्ट्रेंट हो चुका होगा, मेनी पॉसिबिलिटीज आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने ये सीमेंट लिया, कुछ थोड़ा ज्यादा सीमेंट ले लेती हूँ, और मैंने अगर इसमें, एक्चुअली इस सीमेंट में टू बी प्रिसाइज में बात करूं, आप देखो इतने बड़े बड़े लम्स भी है एंड ये लम्स आई एम अप्लाइंग फोर्स और ये लम्स टूट ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है ये ओपन रह गए हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन हो चुका है इसमें, तो ये लम्स तो नहीं है। और ये सीमेंट आप यूज मत कीजिएगा। अगर ऐसे सीमेंट अगर आप घर भी बनवा रहे हैं और अगर आपको ऐसे लम्स मिल रहे हैं और ये प्रेस होकर टूट भी नहीं रहे, ठीक है, सो काइंडली डोंट यूज दिस सीमेंट, बिकॉज रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ आपको मिलेगी नहीं। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि मैं एक कंसिडरेबल सीमेंट लूँ, ठीक है, और मैं ये पानी में मैं डालती हूँ, पानी की तरफ फोकस करेंगे, तो अगर मैं इसको डालती हूँ तो ये एकदम से सिंक नहीं होना चाहिए। पहले क्या होगा, पहले होगा ये फ्लोट और फिर सिंक। अभी हम ये यहाँ पे साइट में जो भी हमारे पास अवेलेबल है हम उसी से कर रहे हैं, तो देखिए फोकस कर रही है वहां पे, तो देखो हाँ सिंक एकदम से नहीं हुआ है, पहले फ्लोट कर रहा है और उसके बाद जाकर ये सिंक हुआ है। तो ये हमारे फ्लोट टेस्ट में तो पास हो गया है, फ्लोट टेस्ट में पास हो गया है। तो अभी तक आपने देखा कलर वॉज ओके, ग्रेइश कलर था ऑन द ग्रीनर साइड, वो सही है। लम्स की बात करूं, लम्स बहुत सारे हैं इसमें, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन हो चुका है। हाँ, जब मैं हाथ डाल रही हूँ तो मुझे एकदम ज्यादा कूलिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है, बट हाँ मुझे थोड़ा कूलिंग इफेक्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब है हाइड्रेशन पूरी तरह से नहीं हुई। अगर हाइड्रेशन होती तो मुझे वार्म फीलिंग आता। लम्स है, फ्लोट टेस्ट मैंने किया तो फ्लोट टेस्ट में आप देख सकते हो कि पहले तो थोड़ा फ्लोट किया और वो सिंक हो गया, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई भी फील्ड टेस्ट सीमेंट पे करते हैं। पहले ही बता दूं, हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम ये सब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल फील्ड टेस्ट है जो किए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, बट ये है कि प्रिलिमिनरी बेसिस पर आप एग्जामिन कर पा रहे हो कि जो भी सीमेंट आप यूज कर रहे हो वो वर्थ है कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट थे। एंड लास्टली मैंने जैसे पहले बोला डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक करना, उसका लॉजिक ये है कि इवेंचुअली ओवर द टाइम के साथ स्ट्रेंथ जो है सीमेंट की वो कम होती जाती है, इसलिए जो भी सीमेंट आप यूज करें उसकी मैन्युफैक्चरिंग 90 डेज से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
ओके सो आप एक राउंड कैमरे को घुमा के देख सकते हैं, अभी तो थोड़ी इवनिंग भी हो गई है, कि कैसा यहाँ पर पूरा काम चल रहा है। एक बार फोन घुमा देंगे तो पूरा यहाँ पर काम चल रहा है और बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। और मैं ही ना गिर जाऊं तो उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको कोई भी और जैसे कि मैंने सोचूं कि आप एक कॉलम्स वगैरह के ऊपर भी जैसे कास्टिंग होती है, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो वीडियो जरूर बनाऊंगी। और ऐसी तरह के अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।